हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। तो आज हम जो टूल सीखने वाले हैं उस टूल का नाम है फिलेट। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अभी हम इसको सीखते हैं। तो इसको इस्तेमाल करना और ये भी एक फ़न होता है कि इसको किस तरह से और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये सारा काम आता है प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, तो आप ये टूल आराम से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें जी, मैंने टूल बना लिया, मैंने एक अपना डिज़ाइन तैयार किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ डिज़ाइन होते हैं कुछ डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि हमें गुलाई चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ से गुलाई, यहाँ से गुलाई, यहाँ से, यानी कि उसको स्क्वेयर ही करना है, लेकिन कुछ हमें जो है ना इसकी इनको फिलेट करना होता है। तो ये जो फिलेट है ना, सेम इसकी तरह है जो मैंने आपको ये बताया था, फिलेट यहाँ पे फिलेट और दूसरा बताया था, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है। तो आपने इसको कोई परेशान नहीं होना, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपने ऐसे क्लिक कर देनी है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पर आपने इसको ऐसे ओके कर देना है, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये जो है ना, ये फिलेट है। तो इसको जब यहाँ से आपने सिर्फ थोड़ा सा नीचे आए, सिर्फ इसको आप समझें, ये देखें, इसको कितना आपको चाहिए, ये जो है ना यहाँ से आप कर सकते हैं कि इसको कितना गोल करना है। तो ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से जो कोने हैं, जो आपके कॉर्नर है, उनको आप फिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका फ्रेंड्स। दूसरा तरीका ये हो गया हमारे पास कि ये है हमारे पास फेस फिलेट, ठीक है। एक और दो, मैं इसको क्लिक करूँगा, दूसरा इसको क्लिक करूँगा, तो दोनों में कितना आपने जो है ना डिस्टेंस रखना है। तो ये उस तरह से इक्वल डिस्टेंस इस हिसाब से बनेगा, ठीक हो गया। और एक और है हमारे पास फिलेट, वो ये है, ठीक है। इसमें हमें तीन जो है ना कॉर्नर बना चूज़ करने होते हैं। पहले एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, और फिर हमारे पास तीसरा, ये हो गया तीसरा। तो फ्रेंड्स, ये देखें कि जैसे इसने यहाँ से गोल किया, इसने इक्वल, इसने नीचे नीचे ये नहीं चीज़ चेक की कि मतलब कितना कितना नहीं, उसने उस हिसाब से तीनों को उसने राउंड कर दिया है, ये देखें, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, एक और फिलेट है, वो है ये वाला। अब ये बड़ा इंटरेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो इसको, चलिए अब इसको करते हैं। मैं एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, कुछ डिज़ाइन हम ये लें जी, मैं ना एक डिज़ाइन तैयार कर लेता हूँ यहाँ से। तो कैसा भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ठीक हो गया जी, ओके कर दिया। इसको एक्सट्रूड कर दें और थिन कर दें जी, तो ऐसा आप डिज़ाइन बना लें, ठीक है, ठीक हो गया। और इसको जो है ना आप ओके कर दें, इसको थोड़ा सा मैं जो है ना इसको बड़ा कर, नो मुझे इसे थोड़ा सा, ठीक है, जितना भी आप कर लेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बैक पे आके इसको आप, इसको आप बना सकते हैं आराम से, कन्वर्ट एंटिटी कर लें, और ये जो है ना आप इसको डिलीट कर दें और इसे रहने दें। यहाँ पे तो कोई कन्वर्ट एंटिटी बनी, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको जो है ना यहाँ पे, और इसको और इसको और इसे इसे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आएँ, सिलेक्ट चेन, चेन सेलेक्ट करें, और ये देखें जी, आप इसको सेलेक्ट करें,
देखिए ये उसने ना एक चेन हमें सिलेक्ट कर दिया, मतलब मुकम्मल बार बार नहीं सिलेक्ट हमें करना पड़ा। ओके करेंगे तो ये देखें मुकम्मल उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इसलिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके जी, अब मैं मुझे असल में ये जो है ना मुझे इसको आप ये वैसे मैं ना एक मतलब वैसे डिज़ाइन बना रहा हूँ कि यार आप जो है ना मतलब इसे थोड़ा सा इसको फ़ायदा हो जाए हमें, ये जो जो चीज़ हम समझना चाहते हैं, इसलिए मैंने ना ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं ये फ्लिट लेता हूँ, ये देखें जी ये वाला ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक हो गया, फिर इसे करूँगा, फिर इसे करूँगा, ठीक हो गया। तो फिर मैं जो है ना इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे करूँगा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखनी है, एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से कितना रखना है, ये हमारे पास ये है, ठीक है, अब यहाँ से आपने रेडियस कितना रखना है। मैं कहता हूँ यहाँ से हमारा रेडियस हो जाए 1.5, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, 0.5 कर लेंगे, चलिए 1.5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आए जी, ठीक हो गया, इसको आप कर लें, इसको भी 1.5, इसको कर लें 2, तो इसको कर लें आप 3, इसको कर लें आप 6, ठीक हो गया। चलें जी से आप कर लें 5। तो फ्रेंड्स देखें जो चीज़ मैं आपको असल में गाइड करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें आप, ये देखें ये जो फिलेट उसने किया है कुछ, मतलब उसने वो कॉर्नर को जो है ना राउंड किया है, ठीक है। तो ये उसने कैसे राउंड कर लिया, उसने उसने जो है ना जिस हिसाब से हमने उसको मतलब सेलेक्ट किया था, हमें कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती हैं कि हमें यहाँ से कम चाहिए होता है, फिर यहाँ से ज़्यादा फिलेट चाहिए होता है, तो फिर यहाँ से ज़्यादा चाहिए, यहाँ से कम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स ये फिलेट हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फर्ज़ करें मैं इसे 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 10 ऊपर तक, मतलब ये एक गोल राउंड शेप का रहा है, ये वैसी जो ऐसी ज्योमेट्री बनाई हुई है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा है, तो ये जो है ना वैसी चीज़ का रहा है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना इसको मैं आपके सामने इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने उसे किया नहीं था, तो ये देख लेते हैं यहाँ से आप जो है ना, मैं क्लियर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से उसने दूसरी तरह से कर दिया, इसलिए आपको जो है ना समझ नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, सॉरी। यहाँ पे आते हैं, ये देखें, ये ना उसने यहाँ से उसने इस ये जो है ना इसको उसने कम ज़्यादा किया है, इसको कम किया है, इसको देखे कम किया है, और इसे उसने जो है ना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से ज़्यादा चाहिए। देखें मैं फिर आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे आए, एडिट करें, ये देखें ये रेडियस कितना है। मैं कहता हूँ जनाब ये जो रेडियस है ना मुझे 15 चाहिए, मैं कहता हूँ 20 चाहिए यार, ये देखें मतलब यहाँ से उसने मुझे ज़्यादा दे दिया, लेकिन मुझे यहाँ से कम चाहिए थे, यहाँ से कम मिल गया। एक्चुअली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था फिलेट, इसको आप मतलब इन चारों को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फुल प्री हुई है, ये आप सारा कुछ करके चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ ठीक हो गया।
ये आप इसका एक्सपेरिमेंट करते रहें, मैंने सिर्फ ही आपको ये चीज़ समझानी थी, आप इसको प्रैक्टिस करें और साथ साथ ऑप्शंस को चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलें, मैं एक काम करता हूँ कि हम जो है ना यहाँ पे इसको भी चैम्फर को भी जो है ना फिनिश कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चैम्फर को भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने ये यहाँ पे चैम्फर समझाया था 2D में। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ आपने कॉर्नर सेलेक्ट करना है। तो ये तो हो रहा था ना गोल, ऐसे गोल हो रहा था, लेकिन ये चिपटा बन रहा है, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं, ये देखिए उसने चिपटा कर दिया है ड्राइंग को, उसने ऐसे चिपटा कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ये देखना है। तो फिर आप नीचे आए, सॉरी मैं इसको बैक कर दिया, ठीक है, इसे बैक कर दिया, कंट्रोल जी से मैंने बैक किया, इसे फिर चैम्फर कर लें। अब आप चाहते हैं कि यार ये मुझे कॉर्नर है ना, मतलब कॉर्नर बनाना है, आप कॉर्नर को सिलेक्ट कर लें, मतलब अब कितना कॉर्नर आपको चाहिए। अब तीन कॉर्नर की तीन साइड है, 1, 2, 3। अब एक साइड अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसे बराबर कर लें, बराबर होगी, ज़्यादा कर लेंगे, ये भी ज़्यादा चाहिए आपको, ये भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन दूसरी वाली नहीं ज़्यादा चाहिए, तो आप ये वाली ऐसे चैम्फर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें ठीक हो गया। तो ये कॉर्नर को चैम्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो चैम्फर में हैं ऑप्शंस वो भी इसी तरह हैं, मतलब आप इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जैसे है, ठीक है। मैं फिर इसे देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इसको आप कितना चाहिए आपको उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप इनको फेसेस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये दूसरे वाला फिलेट में इस्तेमाल करते थे, तो ये सेम वैसे ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी फेसेस हैं, तो यहाँ पे फेसेस हमने ज़्यादा सेलेक्ट कर ली हैं, तो उसी हिसाब से ये वाली है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ दो फेसेस इस्तेमाल करने, दो इसी तरह ये जो है ना चैम्फर इस्तेमाल होता है। अगर कॉर्नर चाहिए ये कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा चाहिए तो आप उस हिसाब से वैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये ऐसे जो है ना चैम्फर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको चैम्फर की और फिलेट की अच्छे से समझ आ गई होगी, मतलब कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ओके दोस्तों, ये फिलेट था, इसमें ज़्यादा चीज़ समझाने वाली। तो कोई मिस्टेक हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।